हैप्पी एंडिंग मूवी का ये गाना अमिताभ भट्टाचार्य जिगर सरैया की आवाज में सुन रहे थे आप 10:22 पे 94.3 माय एफएम और मैं हूँ टीना आपके साथ सलाम इंदौर। आज लगातार बढ़ रहे रेप केसेस के बारे में हम बात करें और रेप विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन की अब अगर बात करें तो गुड़गांव में रेप विक्टिम्स के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती है मौसमी कुंदू। इनका कहना है कि समाज हो, मीडिया हो या फिर घर वाली, सभी जो हैं बार बार रेप विक्टिम के जख्मों को कुरेदते हैं, इसलिए प्रोफेशनल्स की मदद जरूर से लेनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग अगर रेप विक्टिम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाना मना करता है तो किसी भी हालत में ये बंद नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है विक्टिम को दोबारा खड़े होने में सबसे ज्यादा मदद करती है। मौसमी जी से ये जान लेते हैं कि वो कैसे रेप विक्टिम्स को काउंसिल करती हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जिस बच्ची के साथ में या जिस औरत के साथ में यह हादसा हुआ है हम सिर्फ उससे बात करते हैं, जबकि ये काउंसलिंग उस पूरे परिवार की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आज भी ऐसा है कि अगर मेरे को पैर में चोट आ गई है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और मेरे प्राइवेट पार्ट में चोट आ गई है तो वो परिवार के लिए भी और वो समाज के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये हम परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं, वो शरीर का एक अभिन्न अंग है, जैसे मेरे हाथ है, पैर है, आंख है, होंठ है, वैसे ही वो हिस्सा है। अगर उस पे चोट लगी है तो इसका मतलब ही कि मैं एकदम खत्म हो गई हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर घर वालों का जो सपोर्ट है, सोसाइटी का, मीडिया का, सबका सपोर्ट जो है वो बेहद जरूरी है इन सारी चीजों से उबर करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक रेपिस्ट की अगर बात करूं तो एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर दीपक रहे जब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन फिलहाल माय एफएम पर होंगे वो गाने जो आपका दिल चाहता है। सोनू निगम, शंकर महादेवन की आवाज, ये गाना होगा आपके रेडियो।